हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम टू द पॉइंट तरीके से बात करते हैं करंट अफेयर्स की फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू एंड अभिमन्यू आई एस इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर यू फॉर योर यूपीएससी एंड पी जर्नी इट हैज मोर देन ट्वेंटी थ्री ऑफ एक्सपीरियंस हैज गिवन आउट मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइन टू द पॉइंट के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है जो रेगुलर वीडियोस को देखते हैं उनको पता होगा कि जब भी आर्ट वाले टॉपिक आते हैं तो पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट रहते हैं वो एंड यूपीएससी के भी बहुत फेवरेट है कि कल्चर जो है इंडिया का वो देखने को मिलता है उसमें समझने को मिलता है कि क्या चल रहा है वैसे ही एक आर्ट है इट इज अ रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म जिसको भूत कोला ऐसा कुछ नाम है उसका मे बी मैं, मैं, मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ अभी देखते हैं उसको हम भूत कोला ऐसा उसका नाम है एंड दैट इज अ रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म और ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इसके ऊपर अभी एक रिसेंटली कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कन्नड़ मूवी है ये उसके अंदर ये डांस फॉर्म को जो रिचुअल है उसको डिपिक्ट किया था तो डिपिक्शन के ऊपर कुछ कॉन्ट्रोवर्सी थी हमारे लिए आर्ट फॉर्म जो है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट इसमें हम सिर्फ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर होलिस्टिकली प्री और मेन्स दोनों का साथ साथ में जो है आपका कवर हो जाए तो देर इज दिस कोर्स विच इज गोइंग ऑन करंट अफेयर्स मेन कोर्स फॉर 23 24 का जिनका अटेम्प्ट है एंड इट इज फॉर बोथ प्री एंड मेंस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट यू आल्सो गेट अ 7 डेज फ्री ट्रायल एज़ वेल लिंक इज डाउन देयर यू कैन चेक इट आउट अभी हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे व्हिच इज द आर्ट ऑफ बूटा कोला और बूटा कोला है ना सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है अब अगर किसी को सुन के ये लगा होगा कि यार कुछ समथिंग रिलेटेड टू भूत या कुछ ऐसा है तो ऐसा ही है तुलु जो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज से आया तुलु लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब होता है स्पिरिट या डाइटी देवता है ना जिसका जो इन uh, टर्न जो डिराइव हुआ है दैट इज फ्रॉम संस्कृत भूत जिसका मतलब होता है फ्री एलिमेंट्स है ना ऑल्सो इसका मतलब पास्ट भी होता है अलग अलग है बट हमारे केस में फ्री एलिमेंट्स विच इज प्यूरिफाइड स्पिरिट से रिलेटेड ज्यादा है एंड uh, जो कोला वर्ड है दैट मीन्स अ प्ले परफॉर्मेंस और अ फेस्टिवल और अ शेप और फॉर्म की जिस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो बेसिकली इसके अंदर जो है आपको मोर लेस रिप्रजेंटेशन देखने को मिलती है उसमें और कंट्रोवर्सी से शुरू हुआ था लेट uh, सी कि ये है क्या और लास्ट में देखेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप का फॉर्म हो सकता है दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वेश्चन की वही आएगा बट किस टाइप का हो सकता है वो हम इस वीडियो के लास्ट में जाके उसको भी देख लेंगे नंबर वन ये एक एनुअल रिचुअल परफॉर्मेंस है वेयर लोकल स्पिरिट्स और डाइटीज आर वर्शिप ठीक है वो तो हमको नाम से पता लग रहा था कि इसके अंदर लोकल स्पिरिट्स और डाइटीज जैसे अगर कोई हिमाचल से बिलोंग करता है या आसपास उसको पता है हिमाचल में है, तो हर एरिया का एक अलग अपना एक गॉड होता है उस पर्टिकुलर उसमें वैसे ही इसमें भी इस केस में भी जो उस एरिया के कर्नाटक वाले जो एरिया के वो कौन से एरियाज वो भी हम देखेंगे अभी उस एरियाज के जो लोकल गॉड है उनके लिए एनुअल रिचुअलिस्टिक एक परफॉर्मेंस है जिसको इस नाम से भूत कोला उस नाम से जाना जाता है इट इज बिलीव हैज परफॉर्मिंगली बिकम अ गॉड हिमसेल्फ है ना तो वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कम्युनिटी सी क्या लिखा हुआ है यहां पे बोथ फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड दिस द सेम ट्रेट ऑफ गॉड

it is usually performed in small local communities and rural areas not that important of point but it highlights what is going on perform kaise hota hai? the kola or dance performance for the gods is basically performed in an area near the temple of the village deity which is usually close to large open fields the ritual involves music dance recital and elaborate costumes recitals in old tulu recount the origins of the deity basically ek कहानी टाइप होता है ये जैसे कि पंजाब एरिया में है तो वहां लोक गीत होते हैं आप कनक काट रहे हो उस समय गीत है कोई शादी करने जा रहा है उस समय एक लोक गीत है गेस्ट आ रहे हैं उस समय एक लोग गीत है तो बेसिकली ये कहानी सी होती है उसके अंदर एक रिचुअलिस्टिक टच रहता है उनको सारी चीजों के अंदर द डिवाइन मीडियम स्टार्ट द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस एज लोकल फोकलोर कॉल्ड पदनाज है ना तो ये इसके बारे में और देखते हैं हम कि लोकल फोकलोर को वहां पे पदनास बोलते हैं अब इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है है कि पदनास क्या चीज़ है ना तो इट इज़ अ लोकल फोकलोर इन कन्नड़ लैंग्वेज लैंग्वेज द पदनास के ऊपर देख लेते हैं कि पदनास वर ओरिजिनली कंपोज एंड संग इन द रिचुअल इन ये जिसकी हम बात कर रहे हैं इज वर्चुअली एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्पिरिट कहानी बेसिकली कि कैसे उसके अंदर की क्या हुआ है कैसे है तो एक एक क्या बोला यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्पिरिट द अकाउंट्स ऑफ फिजर और बर्थ एडवेंचर ट्रेवल्स एंड फाइनली अटेनमेंट तो इस पूरी के अंदर आपको एक पदनास के अंदर जो है वो आपको जर्नी देखने को मिलती है एंड uh, और परफॉर्मेंस है वो पदनास से ही शुरू होती है बेसिकली टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट कितने टाइप का जो भूत वर्शिप वहां पे होती है इस पर्टिकुलर उसमें भूत कोला में वो ये चार टाइप की है आई वॉन्ट बी एक्सप्लेनिंग नंबर वन इज कोला डेमिक गॉड डांसिंग है ना ये डांस जो है उसको हम कोला बोल देते हैं नेक्स्ट इज बंडी बंडी इज द सेम एज कोला विद एडिशनल ऑफ ड्रैगिंग अबाउट है ना इसमें चैरियट इन्वॉल्व हो जाता है

तो इस टाइप की चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दैट इज द स्लाइड इज देयर फॉर यू अब क्वेश्चन जो सिंपल बन सकता है वो क्या है ये इजी में आएगा इन केस यू नो अदरवाइज ये इंपॉसिबल टू अटेम्प्ट है यू कैन सी द क्वेश्चन पॉज द वीडियो एंड आंसर्स आप कमेंट भी कर सकते हो बट आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड कि सिंपल सा है ये कि इट इज अ रिचुअलिस्टिक डांस परफॉर्मेंस पेंटिंग टेक्निक नहीं है एम्ब्रॉयडरी टेक्निक नहीं है स्कल्परिंग टेक्निक नहीं है तो इस टाइप का इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई नेम इज रोहित गर्चा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दिस इज अभिमन्यू आई